कि आपको कफ है या सर्दी है या खांसी है, क्या आपको पेट की समस्या है या आपका स्किन बहुत ही रूखा हो चुका है, तो आप इसे दिन में 2 बार पिए दोस्तों। जी हाँ, सारी समस्या दूर हो जाएगी और ये सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसा ड्रिंक जो आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगी, वो भी तेज पत्ते से। जी हाँ, तेज पत्ता का प्रयोग अक्सर हम रसोई घर में करते हैं, लेकिन क्या उसके फ़ायदे जानते हैं? नहीं, साथ में इसके नुकसान भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छी लगी तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तेज़पत्ता अक्सर हम स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं या खुशबू लाने के लिए सब्जियों में करते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे 100 गुना हैं दोस्तों। तो इसका इस्तेमाल आज से शुरू कर दें। आपकी पेट की समस्या है, जैसे कब्ज़ है, पेट में जलन है, गैस से निजात पाना चाहते हैं, अपच हो गया है, तो आप इस तेज़पत्ता का उपयोग कर सकते हैं। अभी इन्फेक्शन का दौर चल रहा है दोस्तों, संक्रमण का दौर, जिसमें आपको कफ हो जाती हैं, फ्लू हो जाते हैं या सर्दी खांसी या फीवर हो जाते हैं, तो आप इस पत्ते का यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करना मैं आगे आपको बताऊंगी। आपके स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं, तो इसे ज़रूर यूज़ करें। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। इसका इंग्लिश नाम है बे लीफ। जी हाँ, तेज पत्ते को हम लोग इंग्लिश में बे लीफ भी बोलते हैं। इसके पेड़ आते हैं, उसी में से इसे तोड़ के इसे सुखाया जाता है, तो ये तेज़पत्ता बनते हैं। बहुत ही अच्छा इसका स्वाद रहता है। अक्सर हम लोग चाय जब बनाते हैं तो उसमें भी तेज़पत्ता डालते हैं, सब्जियों में भी तेज़पत्ता डालते हैं, जिससे ये हमारे जितने भी पेट की समस्या है यानी पचाने का काम करती है। तो देखिए, इन तेज़पत्तों को अच्छे से पहले हमें वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें गंदगी रहती है। मार्केट से जब भी लें, अच्छे से इसे वॉश कर लें, अच्छे से जिस तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ, हल्के गुनगुने पानी से साफ़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 यहाँ पे तेज़पत्ता ले लेना है। जी हाँ, अब इस तरह से इसे हम तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे पीस में इस तरह से हम तोड़ लेंगे। जब भी आप इसका ये जो हमने बना रहे हैं काढ़ा या सिरप, तो जब भी बनाएं फ्रेश बनाएं, इस तरह से हम तोड़ लेंगे। नहीं तो आप चाहें तो लगभग 3 से 4 दिन का क्वांटिटी आप बना के पहले से भी रख सकते हैं, लेकिन आपको फ्रिज में रखना होगा। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ खास टिप्स आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से देखिए, हमने सारे तेज़पत्तों को यहाँ पे तोड़ लेना है अच्छे से। तो देखिए, हमने तोड़ लिया है। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ पे लेंगे, अदरक। जी हाँ, जिंजर। ये बहुत ही फ़ायदा करता है दोस्तों, तो इसे आप ज़रूर यूज़ करें। ये इन्फेक्शन को दूर करते हैं अदरक, जैसे कफ हो गए हैं हम लोग को या सर्दी खांसी, उसमें बहुत ही निजात दिलाता है। चाहे आपकी दम जो फूलती है ना, सांस फूलती है बहुत लोगों की, कफ जम गया है हमारा और निकल नहीं रहा है हमारे गर्दन से, क्या करें नहीं करें, इतनी सारी दवाइयाँ खा ली, सिरप पी ली, फिर भी नहीं निकले, लेकिन ये जो अदरक है ना, ये रामबाण इलाज है, आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो देखिए, अदरक हमें ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी है, बस 2 इंच हमने अदरक यहाँ पर ले लेना है और इसे अच्छे तरीके से पील ऑफ कर लेना है। आप दिन में 2 बार पिए दोस्तों, सुबह में खाली पेट पीना है आपको और शाम में चाय के जैसे पीते हैं उस तरह से पीना है आपको। धीरे धीरे सारी जितनी बलगम है, कफ है, जितनी सर्दियां हैं, जितने संक्रमण है ना, जितनी इन्फेक्शन है, जो एंटीबैक्टीरियल आप लेते हैं, एंटीबायोटिक खाते हैं दवाई, वो एंटीबायोटिक का काम करता है ये अदरक। जी हाँ, तो इसे हमने छोटे छोटे पीस में छोटे छोटे कर लिए हैं इस तरह से, तो अदरक को ज़रूर डालें, बहुत ही सेहतमंद चीज़ है। इसके रस भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, इन दोनों को हमने इस तरह से ले लेना है आपको। तो चलिए, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। इसमें अभी 2 से 3 चीज़ और डलेंगी, उसके भी मैं फ़ायदे आपको बताती चलूँगी। तेज़पत्ता जो है ना, कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ना दिल की बीमारी में, उसके लेवल को ये कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये इन्हेंस करता है। तो देखिए, यहाँ पे हम 2 कप, बड़े वाले कप से 2 कप पानी ले लेंगे, यानी अब जितना पानी लेना है उसका आधा हमें बनाकर तैयार करना है। जी हाँ, तो हम यहाँ पे हम 2 कप पानी ले रहे हैं, तो लगभग 3 से 4 दिन के लिए हम इसे बनाकर तैयार कर रहे हैं। पानी हमने यहाँ पे डाल देना है, एक बड़े से पतीले में ले, क्योंकि इसकी आधी क्वांटिटी हमें रखनी है। सारे तेज पत्ते को डाल देते हैं
दो कप लिया है तो एक कप उबाल के ही हमें करना है। अदरक को भी हम इसमें डाल देते हैं, चाहे आप अदरक को कूच करके भी यानी डाल सकते हैं, थोड़े से इसे क्रश कर लें उसके बाद भी डाल सकते हैं इसमें, मैं इसी तरह डाल रही हूँ। अब इसे हम अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छे से मिल जाए। ये तेज पत्ता में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल मौजूद होते हैं, जिस कारण ये आपके सारे संक्रमण को इन्फेक्शन को दूर करता है। साथ में यहाँ पे हम चार लौंग ले लेते हैं, जी हाँ, चार दिन के लिए बना रहे हैं तो चार लौंग यहाँ पे हम ले लेते हैं। लौंग भी बहुत ही अच्छा काम करता है दोस्तों, कफ को निकालने में, इन्फेक्शन को दूर करने में, तो इसे ज़रूर डालें। इसे भी हमने यहाँ पे डाल देना है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और इसमें अच्छे से उबाल आने देते हैं। इसके जो पानी हम तैयार करेंगे ना, जैसे आप लौंग और अदरक ना डालें, सिर्फ तेज पत्ते के पानी से आप बालों को अच्छे से धो सकते हैं, कंडीशनर का काम करते हैं, बालों में शाइनिंग लाते हैं आपके। जी हाँ, अगर रूसी हो गए तो उससे भी निजात डालते हैं। इतने सारे फ़ायदे हैं तेज पत्ते के, तो देखिए कितनी अच्छी तरह से उबल रहा है और किस तरह से ये कलर तेज पत्ता अपना छोड़ रहा है, अदरक भी अपना कलर यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं, तो देखिए उबल रहा है। इसे एक बार और हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं और इसे हम स्लो फ्लेम, जी हाँ, स्लो फ्लेम पे इसे ढककर अच्छे से उबालेंगे। तब तक उबालेंगे जब तक दो कप का एक कप ना रह जाए, यानी बिल्कुल हाफ ना रह जाए। तो देखिए अच्छे से उबल चुका है यहाँ पे हमारा ये पानी, और आधा हो चुका था तो मैंने इसे इसी तरह से ढक्कन लगा के ही रख दिया था ताकि इसके सारे फ्लेवर उड़े नहीं, निकले नहीं। 5 मिनट के बाद इसे हम अच्छी तरह से यहाँ पर इस तरह से छन्नी की सहायता से छान कर अलग बॉल में रख लेते हैं जिसमें आपको स्टोर करना है। तो कोशिश करें कि कांच की ही बॉल में आप इसे स्टोर करें तो ज़्यादा सेफ़ रहेगी और ज़्यादा टेस्टफुल रहेगी, नहीं तो अधिकतर फ्रिज में रखते हैं प्लास्टिक वाले में, तो उसमें ना रखें। तो देखिए इसका कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया, जो तेज़पत्ता जो बच गए हैं ना जिसे हमने निकाले हैं उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। आप चेहरे पे लगा सकते हैं, चेहरे के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अब इसे आप लेना कैसे मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ, जिस मेरे बच्चे को अगर कफ हो गई है तो आप इसे दे सकते हैं। बच्चे को यहाँ पर आप 2 चम्मच, बड़े चम्मच आप देख रहे हैं साइज़, 2 चम्मच यहाँ पे लेना है आपको। इसमें गर्म पानी डालना है आपको, गुनगुना पानी या गर्म पानी जिस हिसाब से पी ले बच्चा। और इसमें हम डालेंगे हनी, जी हाँ, 1 छोटा चम्मच यहाँ पे हनी मिक्स करेंगे। हनी भी बहुत ही एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल का काम करता है, कफ को निकालने का काम करता है, बहुत ही स्मूथ इसका टेक्सचर होता है। तो ये डाले शुद्ध हनी इसमें डालेंगे और थोड़ा सा इसमें नींबू का जूस डालेंगे, लगभग आधी चम्मच इसमें डालें। चाहे तो आप डाल सकते हैं तो नहीं भी डाल सकते, बहुत लोग को सूट करता है नहीं करता है, लेकिन आप इसे डालें और इसे मिक्स करके सुबह शाम, सुबह में खाली पेट दे दें और शाम में इसे दे दें, तो धीरे धीरे सारा कफ निकल जाएगा दोस्तों। जितने अगर आपको फीवर लग रही है, चाहे कोई भी सर्दी है, खांसी है, सभी को ये दूर कर देगा। ये बच्चे के लिए हमने बना कर रेडी किया, बड़ों में ये 4 चम्मच लगेगी और इस तरह से पिए और हेल्दी रहें। बच्चों के लिए हमने 2 बड़े चम्मच डाले थे, लेकिन अगर आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 4 बड़े चम्मच आप इसमें यहाँ पर डालें और बाकी का इसमें गर्म पानी मिला के उसी तरह से शहद और नींबू मिलाकर आप इसे ले सकते हैं, सारी समस्या दूर।